ही गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और 10:10 हो गए हैं सुबह के, और आज सुबह 5 बजे से जो है काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। मौसम बाय द वे काफ़ी ज़्यादा रंगीन है, एकदम मस्त मौसम है। मतलब ऐसा मौसम शायद साल में एक दो बार ही आता है। और ये वाली बारिश हो रही नहीं, जैसे जून जुलाई में बारिश होती है सेम वही कंडीशन है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत ठंडी ठंडी मस्त हवा आ रही है। और एक बैड न्यूज़ ये है कि जो भाभी जी आती हैं खाना बनाने के लिए, उनके भाई का पता नहीं क्या कोई एक्सीडेंट हो गया, तो सुबह कॉल आई थी, तो इस वजह से जो है वो आज नहीं आ पाएंगी। तो इसलिए जो है लंच मुझे खुद से बनाना पड़ा। तो लंच में वही, जब मैं मतलब अकेले में क्या बना सकता, बट इसलिए मैंने जो है खिचड़ी बनाई है। तो अभी आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसी मैंने खिचड़ी बनाई है। बाय द वे मुझे लग रहा थोड़ा उसमें पानी जो है कम रह गया, तो डर ये है कि कहीं जो है नीचे से जल ना गई हो। बट आई होप जो है सब कुछ सही, हवा काफ़ी तेज़ अंदर आ रही है। चलो पहले खिचड़ी निकाल लेते हैं। तो बाय द वे खिचड़ी जो है ज़्यादा नहीं जली, बस थोड़ी सी जल गई है। तो खिचड़ी है, चटनी और अचार, मिर्च का अचार, साथ में रहा ये सैलेड, सैलेड में है मूली और खीरा। तो फटाफट इसे फिनिश करते हैं। भूख भी बाय द वे काफ़ी तेज़ लगी है कि सुबह जो सिर्फ चाय और चाय पीते, कैजुअल शूज पहन लेते हैं, नहीं तो बारिश इतनी तेज़ हो रही ना, अगर लेदर वाले पहनेंगे तो पूरे भीग जाएंगे। आज बारिश लग रहा दिन भर नहीं बंद होगी। Got enough of every melody, they all sound the same. और बाय द वे 11:15 हो रहे हैं, और मैं तो कोर्ट का सारा काम मैंने निपटा दिया, बस सीधे जो है कार से गया कोर्ट। एक्चुअली जो है चैम्बर में गए नहीं, क्योंकि चैम्बर में जाते फिर वहाँ से अगर जाते तो भीग जाते पूरा। तो सीधे गए वहाँ पे, एक फाइल थी उसी में ज़्यादा काम होना था, एक दो एप्लीकेशन लगनी थी, तुरंत ही जो है फटाफट टाइप होने का कोई वहाँ पर कोई सीन नहीं था, तो फटाफट जो है हाथ से ही मैंने लिख दिया और जज साहब को दे दिया, और अपना काम जो है हो गया है। तो अब तो कुछ काम है नहीं, बीच में भी थोड़ा काम था, एक्चुअली एक बीच में टाउन पड़ता है वहाँ पर कुछ काम है, बट देखते हैं। बारिश एक्चुअली काफ़ी तेज़ हो रही है, तो मुझे नहीं लग रहा कि अब कुछ काम हो पाएगा। तो अभी जो है क्या, ये रही सामने बैंक, तो सौरभ को यहाँ बैंक भेजा है, तो बैंक में कुछ काम है 5-10 मिनट का, तो वो वाला काम निपटा लेते हैं। और आज भी मुझे ध्यान है लगभग 1 साल पहले इतनी तेज़ बारिश हुई, उस दिन मुझे जाना था लखनऊ, तो उस दिन भी सेम यही सीन था और पूरे दिन बारिश हुई। आज तो मतलब उसकी 50% भी नहीं हो रही। यहाँ पे जहाँ पे इस एरिया में खड़े हैं ना, ये पूरा कोर्ट के कैंपस है, यहाँ पे एकदम फुल पानी हो गया था। आई थिंक 1-1, 2-2 फीट जो है ऊपर पानी भर गया था, सड़कों पे पूरा पानी चल रहा था। और उस दिन जो है लगभग 3 बजे के आसपास में जो है बारिश थोड़ी सी बंद हुई थी, और फिर मैं गया था लखनऊ। और उस दिन मैंने क्या किया था कि इतनी तेज़ बारिश हुई थी ना कि मैं जूते नहीं पहन के आया था, मैंने सिर्फ स्लीपर पहन ली थी, और स्लीपर में ही जो है मैं चैम्बर में आ गया, फिर कोर्ट नहीं गया था। उस दिन थोड़ा बहुत काम बस निपटाया और सीधे मैं लखनऊ के लिए निकल गया। तो आज भी ऐसा सीन है, मस्त सीन बन रहा है। बाय द वे घर पे होते ना पकौड़े खाने का मूड हो रहा है, तो यहाँ पे जो है अंकल जी रहते हैं जहाँ पे मैं रहता हूँ, तो वो तो सीन कर रहे थे कि आज पकौड़े का जो है प्लान बनाते हैं, बट ऐसे ही जो है प्लान कैंसिल हो गया। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा काम था और घर भी जाना था, तो इस वजह से ऐसा कोई सीन नहीं हो पाया। और इस वाले वीकेंड पे जो है मुझे छुट्टी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि आज तो मैं घर जा रहा हूँ, बट उसके बाद में मुझे जो है कल भी काम से जाना है, फिर सैटरडे को जो है फिर से कोर्ट आना है, क्योंकि उस दिन भी जो है दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल्स लगी हैं, तो उनका डिस्पोजल होना है, तो इसलिए मुझे सैटरडे को भी आना पड़ेगा, वरना मैं फ्राइडे सैटरडे को जो है कोर्ट नहीं आ। वैसे तो मुझे जो है फ्राइडे सैटरडे और संडे 3 दिन की छुट्टी मिले तब मुझे सही लगता है, चलो कभी कभी काम करना पड़ता है क्या। तो अब हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि अब कहीं नहीं रुकना है, सीधे जो है घर जाना है। जो भी बीच में काम है वो सैटरडे को देख लेंगे या फिर नेक्स्ट वीक देखेंगे, तो अभी जो है सीधे घर निकल। सौरभ को तो मैंने ड्रॉप कर दिया है, अभी एक्चुअली घर नहीं जाएंगे, बारिश बंद हो गई है, तो थोड़ा सा काम है उसे भी निपटा लेते हैं। मतलब भाई पूरी तरीके से बंद नहीं हुई है, अभी भी काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। और बाय द वे एप्पल का इवेंट जो है वो हो चुका है, तो आईफोन 13 और 13 प्रो मैक वगैरह एप्पल वॉचेस सब कुछ जो है लॉन्च हो गया है, तो इसकी जो है डिलीवरी आई थिंक वही 4-5 दिनों में जो है शुरू हो जाएगी, और इंडिया में भी और पूरे वर्ल्ड में जो है सेम डे ही डिलीवरी स्टार्ट होने वाली है। पहले क्या होता था कि इंडिया को जो है ये लोग मतलब पहले तो पूरे वर्ल्ड में जो मेन कंट्रीज़ हैं उनमें होता था लॉन्च, उसके बाद में जो है इंडिया में इसकी डिलीवरी शुरू होती थी। बट मोदी जी के ज़माने में मतलब मैंने जैसे न्यूज़ सुनी तो मुझे ये लगा कि शायद मोदी जी की वजह से जो है ये सब पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि मतलब
अपने देश को भी जो है बाकी देशों के कंपेयर में साथ में ही रखा जाए। और ये छोटी छोटी चीज़ें ही जो है मतलब काफ़ी मायने रखती हैं एक देश के लिए। और बाय द वे मैं भी ले रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि आईफोन 13 या फिर 13 प्रो, चलो ये तो मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है कौन सा लेना है, बट जैसे मार्केट में आ जाएगा तो अपन देख लेंगे दोनों को कंपेयर करके और कौन सा जो है ज़्यादा सही है तो वही वाला जो है ऑर्डर कर दूँगा। और ज़्यादा मैं वेट नहीं कर सकता हूँ, पहले तो बाय द वे मैं सोच रहा था कि दुबई जाता हूँ और दुबई से मस्त आईफोन खरीद के लाऊँगा, काफ़ी और भी जो है एप्पल के मतलब एसेसरीज वगैरह हैं, एप्पल वॉच है और ड्रोन का भी मैं प्लान कर रहा था, ये सब लेके आऊँगा, बट दुबई जाना जो है पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी कोविड का काफ़ी ज़्यादा सीन चल रहा है। और तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि जो है यहीं से अपन आईफोन ले लेते हैं। पहले तो मैं पिछले साल जो है आईफोन लेने का प्लान बना रहा था, बट वो धीरे धीरे जो है प्लान हो गया कैंसिल, बट इस बार प्लान किसी भी हाल में कैंसिल नहीं हुआ, जैसे ही आईफोन आता है जस्ट मैं जो है उसे ऑर्डर कर। सही भी है, बाकी तो मेरे पास लगभग जो है सारा सामान हो कई मैकबुक भी है और DSLR वगैरह मतलब सारे सामान जो हैं। और बाय द वे यूट्यूब से तो मेरी अभी कुछ खास इतनी अर्निंग हो नहीं रही है, बाकी बस मेरा अपना शौक है तो जो मैं जॉब करता हूँ या जो भी मेरा बिजनेस है तो उससे ही जो है ये सारे आइटम मैं ले रहा हूँ। क्या है अगर आप कमा रहे हैं तो अगर आप मान लो वो चीज़ खरीद सकते हैं अपने शौक के लिए तो बिल्कुल खरीदें, बट ये नहीं होना। कुछ लोग मैंने देखा है कि जो है EMI पे फोन्स खरीद लेते हैं, मतलब पैसे जो है वही 20,000 और उसकी जो है 12,000 रुपए की EMI है, मतलब सिर्फ फ़ोन के लिए वो EMI भर रहा है, तो ये सब मतलब सही नहीं है। मतलब आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि जिस चीज़ को आप ले रहे हो तो उसे 6 times कम से कम आप उस समय परचेज कर सकते हो जस्ट उसी समय, तब तो ठीक है, वरना यार मुझे नहीं लग रहा है मतलब इस तरीके से जो है नहीं करना चाहिए। सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बिल्कुल लेंगे। सामने वाले ग्लास पे एकदम जो है पूरा फॉग जम गया है, आज का मौसम मतलब जितना कहा जाए उतना ही बिगड़ गया। और ये सब अगर मुझे नहीं पता होता तो कल शाम को ही मैं वापस आ जाता कि ऐसा जो है सीन रहने वाला है कल। एक्चुअली कल शाम को जो है कुछ लोगों से मिलना पड़ गया, तो उसमें जो है बातचीत में काफ़ी टाइम लग गया था, फिर मतलब काफ़ी लेट हो गया, तो फिर मैंने जो है ब्लॉग भी एंड नहीं किया था कल। और बाय द वे बारिश जो है कल से हो रही है, पूरे 48 आवर्स जो है बारिश होगी, वही मौसम, ज़्यादा बारिश तो जो है आई थिंक बहुत दिनों बाद देखने को मिल रही है। और कल तो जो है मतलब कल सुबह एक्चुअली टिप 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 शुरू हो गया, तो इस वजह से जो है सारी ऑलमोस्ट शॉप्स वगैरह बैंक में मतलब कहीं भी आपको भीड़ भाड़ नजर, तो मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अनी और शनाया जो है अभी भी सोने में लगी है, बाय द वे मॉर्निंग के हो रहे हैं 7:30। तो इस वाले ब्लॉग को यहीं एंड कर रहा हूँ, आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब। बस दोस्तों जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए। Cause I'm feeling so cold.